So good evening friends, welcome back again my channel HP 2023 अनिल आर्मी राइडर। दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ दोस्तों। तो मेरे जो प्यारे फौजी भाई हैं, एक्स सर्विस मैन है, आज मैं उन सब के लिए एक और गुड न्यूज़ लेके आ गया हूँ दोस्तों। तो आज का जो मेरा टॉपिक है आज का भी आर्म्स लाइसेंस के ऊपर ही है, इसके ऊपर काफ़ी सारा जो है जोर दे रहे हैं लोग आज का आर्म लाइसेंस के ऊपर। और एक खुशखबरी आप लोगों को मैं दे दूं कि J&K में जो है अभी जो गन लाइसेंस बनना शुरू हो गया है, बट वहाँ पर कुछ जो है कंडीशंस रखी गई हैं जिसके ऊपर आप वहाँ पर लाइसेंस बनवा सकते हैं दोस्तों। तो अभी जो J&K में जो रूल लागू हुआ है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो उस डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है अभी वहाँ पर आर्म्स लाइसेंस बनवा सकता है। और तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो है अभी रेस्ट्रिक्शन जो है लग गई हैं जो वेपन हैंडलिंग पे एंड वेपन का जो लेने के लिए। तो काफ़ी सारा अभी क्या वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, और उसके बाद जिस जिले का है वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन एंड वहाँ DM के अंडर जो भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो सब चीज़ें वहाँ पर लागू हो गई हैं दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि J&K में दोबारा से लाइसेंस बनने शुरू हो गए हैं दोस्तों। एंड दोस्तों चलते हैं आज हम अपने इस टॉपिक के ऊपर, जो मैंने आपको टॉपिक जो है यहाँ पर कि आज का टॉपिक मेरा क्या है, चेक गन लाइसेंस ऑनलाइन के। हम ऑनलाइन अपने गन लाइसेंस को भी चेक कर सकते हैं कि वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं आप लोग भी उस चीज़ में तो नहीं फंस गए हैं दोस्तों, कहीं आपने भी J&K से कहीं लोगों ने लाइसेंस बनवाए होंगे तो कुछ उसमें हो सकता है फेक लाइसेंस भी हो दोस्तों। क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने जो कम से कम 4 से 5 लाख जितने भी वहाँ के जो लाइसेंस बने हुए हैं उन सब के ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वो जितने भी वहाँ से लाइसेंस बने हैं वो टोटली केस CBI को हैंडल कर दिए गए हैं दोस्तों। तो उसके ऊपर प्रॉपरली चेकिंग हो रही है दोस्तों, वहाँ पर क्या प्रॉपरली उस चीज़ को चेक किया जा रहा है कि कौन सा लाइसेंस ओरिजिनल है और कौन सा फेक है दोस्तों। तो आप इस चीज़ से जरूर अवेयर रहें दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये न्यूज़ लेके आ रहा हूँ दोस्तों। बार बार मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसी अफवाहों में ना फंसें दोस्तों। आप डायरेक्टली कभी भी यहाँ से किसी को पैसा ट्रांसफ़र ना करें, और ना ही डायरेक्टली फ़ोन पे बात करके अपने यहाँ से वो लाइसेंस को बनवाएं दोस्तों, क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप यहाँ से उनको पैसा ट्रांसफ़र कर दोगे, ये कंडीशन कहाँ पर है आपको पता लगेगा कि आपके डॉक्यूमेंट वहाँ वेरीफाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं दोस्तों, वो कैसे पता लगेगा आपको। तो इसलिए इस चीज़ के अंदर ना आए आप लोग, और कभी भी ऑनलाइन पैसा किसी को ट्रांसफ़र ना करें, और ना ही ऑनलाइन लाइसेंस बनवाएं दोस्तों। ये सबसे बहुत ही जरूरी समझने वाली चीज़ है दोस्तों। तो आप इस चीज़ में ना फंसें ताकि आपको आगे आगे चल के कोई परेशानी ना आए दोस्तों। क्योंकि होता है कि और ऐसे बहुत सारे आजकल कॉल्स आ रहे हैं J&K से कि हम लाइसेंस बनवा देंगे आप लोगों का, तो उस बहकावे में आप नहीं आए दोस्तों। क्योंकि अगर वो उस फ्रॉड केस में फंसते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर वो उन्होंने वो जो फ्रॉड लाइसेंस बनवाए हैं अगर उसमें वो फंसते हैं, और आप जो नंबर कहीं कहीं होता है कि कमेंट्स के अंदर भी नंबर दे रहे हैं और उस नंबर पे कॉल कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप उस कमेंट्स में दिए गए नंबर के ऊपर कभी कॉल ना करें दोस्तों, और ना ही अपना नंबर कभी कमेंट के अंदर डालें दोस्तों। हाँ, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है या कोई भी क्वेरी है आपकी, अगर आपको मुझसे कुछ कोई क्वेरी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई मैसेज छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपना नंबर कभी किसी के साथ शेयर ना करें, ना ही उस नंबर के ऊपर आप कॉल करें, ताकि कल को अगर कोई चेकिंग में अगर वो फंसते हैं तो कल को आपका नंबर भी उनके मोबाइल में आएगा, तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है दोस्तों। तो वो चीज़ ना करें दोस्तों। एंड दोस्तों हम बात करते हैं आज अपने चेक गन लाइन, जो गन लाइसेंस है उसको हमने ऑनलाइन किया है, कैसे चेक करना है। इसमें एक जो आपका गन लाइसेंस जो होता है उसके ऊपर प्रॉपरली आपका नाम लिखा रहता है, आपका फादर्स नेम लिखा रहता है, और एंड डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है दोस्तों इस साइड में, जो लेफ्ट साइड में। एंड राइट साइड में आपका एक UIN नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि 18 डिजिट का होता है दोस्तों। तो आप ये पक्का इंश्योर कर लें कहीं आपने जो लाइसेंस लिया है कहीं उसके ऊपर 17 डिजिट तो नहीं है, कहीं उसके अंदर 16 डिजिट तो नहीं है दोस्तों। अगर उसमें 16 या 17 डिजिट होते हैं तो वो लाइसेंस फेक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। क्योंकि जो UIN नंबर होता है उसके अंदर 18 डिजिट ही होते हैं दोस्तों, तभी वो ऑनलाइन आपका क्या लाइसेंस वहां पर शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा दोस्तों। इस UIN नंबर के ऊपर ही, जो UIN नंबर है इसी के ऊपर ही पूरा खेल है दोस्तों। तो वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको लिए मैं बहुत ही मुश्किल से वीडियोस बना के लाता हूँ, ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ हर जगह से, ताकि आप हर चीज़ से अवेयर रहें, और मेरे जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं या मेरे जो सर्विसमैन भाई हैं फौजी भाई हैं
वो कभी किसी मुश्किल में ना आए दोस्तों, और ना ही उनको कोई डिफिकल्टी आए कभी किसी चीज में उनको करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अवेयर करना हो दोस्तों, आप सभी को, कि आप अवेयर रहे इन सभी चीजों से और कभी भी इन चीजों की तरफ ध्यान ना दे दोस्तों। इसीलिए आपने जब भी जो कोई काम करना है उसको जेन्युइन तरीके से करना है दोस्तों, उसको प्रॉपरली सिक्वेंस से करना है, उसको अच्छी तरह से समझना है दोस्तों, उसको अच्छे उसके बारे में जानना है पहले दोस्तों, तब जाके उसके ऊपर काम करना है दोस्तों, अन्यथा ऐसे काम नहीं करना है अपने दोस्तों। एंड दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आम लाइसेंस जब ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे तो जब इस साइट पे जाओगे आप, जो आम लाइसेंस ऑनलाइन आप सर्च करोगे उसके ऊपर, तो वहां पर आपके पास ऐसा जो ऑप्शन बन के आएगा आम लाइसेंस ऑनलाइन, जब उसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो वहां पर आएगा अप्लाई हेयर का ऑप्शन। जब उस अप्लाई हेयर पे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे, जहां पर एक आपके पास ये ऑप्शन आएगा अथॉरिटी आएगा, उसके अंदर स्टेट डीएम रजिस्टर, उसमें होम एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें काफी सारी चीजें ऑप्शन आएंगे, तो आपको देख लेना है कि आपका लाइसेंस कहाँ का बना हुआ है, और देन अगर डीएम के उससे बना है या होम मिनिस्ट्री के उससे बना है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या है जो लाइसेंस बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपने देख लेना है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे, जब आप उसमें इंफॉर्मेशन और डालोगे अंदर, तो आपके पास वहां पर आगे जो पेज खुलेगा उसमें आएगा आपका एंट्री और यूआईएन नंबर, तो आपने उसमें क्या करना है, अपना यूआईएन नंबर उसमें फीड करना है और देन उसको सर्च करना है, तो आपका जो है लाइसेंस का पूरा डिटेल ऑनलाइन आपको शो होगा दोस्तों वहां पर। तो इस चीज को आप जरूर समझिए दोस्तों, एंड अवेयर रहिए हमेशा कि आप ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, ताकि आपको आगे जाके कोई मुसीबत का सामना करना पड़े दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी आप लाइसेंस बनवाएं तो उसको फिजिकली खुद जाएं उस वहां पर, और वहां पर खुद जाकर आप उस चीज को क्या है वेरीफाइड कराएं, क्योंकि जो भी लाइसेंस बनता है इसमें सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है। और एक चीज मैं और आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि जिसका भी जो ऑल इंडिया लाइसेंस बना हुआ है J&K का, वो अगर उनका रिन्यूअल अगर खत्म होने वाला है तो ये पुलिस का काम नहीं है कि वो घर उनके घर वेरिफिकेशन करने आएगी, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको पुलिस जो है लोकल पुलिस स्टेशन है उसको हम पहले ही बता दें कि मेरा जो ऐसे ऐसे लाइसेंस क्या है रिन्यूअल होने वाला है दोस्तों। तो वो चीज हमें क्या है यहाँ पर जरूर करना है दोस्तों, कभी भी हमें किसी भी चीज के साथ मतलब कि हमें लापरवाही नहीं बरतनी है दोस्तों, क्योंकि अभी क्योंकि मैंने काफी सारे मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि रिन्यूअल करने में काफी सारी परेशानी आ रही है दोस्तों, लेकिन अगर आप उसको प्रोसीजर से करोगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी दोस्तों आप लोगों को। तो वो चीज का आपने पक्का ही ख्याल रखना है, और जो चीजें मैंने आपको बताई उस चीज का आपने पक्का ही आप इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियोस आप लोगों को वाकई अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, बस यही एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप जितना वीडियोस को शेयर करेंगे उतना ही कि हो सकता है किसी के काम आए, किसी इंसान का क्या भला हो जाए दोस्तों। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे फौजी भाइयों का कोई नुकसान ना हो कभी, और वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें जहां पर भी रहें, क्योंकि मैंने भी आर्मी में नौकरी की है तो मुझे भी पता है कि कितनी सारी मुश्किलों से हम लोग जो कि पैसे का अर्निंग करते हैं, उस पैसे को बचाना हमारे लिए कितना ही इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। इसलिए अपने आप पैसे को आप बिल्कुल सेफ रखें दोस्तों, कभी भी आप इन चीजों के बहकावे में ना आए ऑनलाइन, कभी भी आप मतलब कि किसी ने आपसे पैसा फोन पे मांगा और आप उसको पैसा दे दो, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, कभी आप किसी लालच के चलते ये चीजें कर लो दोस्तों, बट ऐसा नहीं करना है हम लोगों ने दोस्तों। तो हमने जो प्रोसीजर है प्रॉपरली उससे हमने वर्क करना है, उसी तरीके से हमने लाइसेंस को बनवाना है दोस्तों। और लाइसेंस बनवाना है तो आपकी अभी स्टेट में ही क्या है आप उसको बनवा सकते हो दोस्तों, और सही तरीके से, और जो उसका जेन्युइन प्राइस है उसी प्राइस पे आप उस लाइसेंस को बनवा सकते हो दोस्तों, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है दोस्तों। हम लोग थोड़ी सी चीजों से घबरा जाते हैं कि कौन इतने चक्कर लगाएगा वहां पर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पड़ेगी आपको इसमें, आपको ऑनलाइन ही खुद समझना पड़ेगा इस चीज को कि ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और कैसे मुझे उसको सबमिट करना है। तो मैंने आपको फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स जो है ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं अपने पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या है कलेक्ट करना है। आपका जो सर्विंग सर्टिफिकेट हो गया वो आपका यूनिट से बन जाएगा, जो सर्विसमैन है और जो एक्स सर्विसमैन है उनका जिला सैनिक बोर्ड यानी कि ZSB बना देता है दोस्तों।
एंड एक एफिडेविट आपको बनाना पड़ता है। वो एफिडेविट भी क्या है, आपने उसके अंदर मेंशन कर देना है कि किस पर्पज के लिए आपको क्या है जो ये लाइसेंस चाहिए या हथियार चाहिए दोस्तों आपको। और उसके अंदर एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है जो कि होता है S3 फॉर्म जो होता है, वो आपको क्या है एक सरकारी डॉक्टर से उसको साइन करवा के और वो आपको सबमिट करना पड़ता है दोस्तों। और बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी आपकी चीज़ें वो तो लगेंगी दोस्तों। एंड देन लास्ट में आपने फाइल को कहाँ DM ऑफिस में डिपॉजिट करना है दोस्तों, वो जो चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताई है फिर भी मैं आपको हाईलाइटेड कर रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर। एंड दोस्तों मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।